दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि जो वीएलई भाई हैं जिन्होंने यूसीएल के लिए रजिस्ट्रेशन किया है यानी कि आधार अपडेट के संबंधित काम करने के लिए यूसीएल में रजिस्ट्रेशन किया है और जो करने वाले हैं उनके लिए बड़ी अपडेट निकल के आ रही है और इस अपडेट के अनुसार जो बातें निकल के आ रही है मैं ये बता दूं, लोगों को इसकी जानकारी नहीं होगी अगर आपने अपने फॉर्म में गलती की है इस संबंधित तो आप आधार अपडेट का काम नहीं कर सकते हैं, साफ शब्दों में आप समझ सकते हैं। तो इसको हम कैसे जानेंगे क्या अपडेट है और इसको हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं यानी कि ठीक कर सकते हैं और क्या करना होगा वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो सबसे पहले चलिए हम फॉर्म देख लेते हैं कि किस तरीके से फॉर्म होगा। तो मैं ये फॉर्म आपकी बात करूं, ये फॉर्म जो है बिहार का है और सभी स्टेट में जो है मेल के जरिए या ग्रुप के जरिए जो है उनको दिया गया है फॉर्मेट फॉर्म भरने के लिए। तो हर राज्य का थोड़ा बहुत अलग अलग फॉर्मेट है। मैं आपको यहाँ पे यूपी का, जैसा कि आप देख सकते हैं यूपी का ये नॉर्मल फॉर्मेट है, इसमें आपको नॉर्मल ही जानकारी भरनी होती है लेकिन बिहार में कुछ ज्यादा है। तो इसी तरीके से जो है आपको फॉर्म फिल करनी होगी लेकिन यूनिक चीज जो है दोनों में सेम है, एक स्टैटिक आईपी आपसे मांगा जा रहा है। जैसे कि देख सकते हैं यूपी वाले फॉर्म में भी आपको स्टैटिक आईपी है और यहाँ पे आपको मैंडेटरी किया गया है जैसे कि आप देख सकते हैं। और हम बिहार वाले फॉर्म की बात करें तो नॉर्मल ही जो हमसे मांगा जाता है यानी कि हमारे पास लैपटॉप होना चाहिए, सिंगल फिंगर स्कैनर होना चाहिए, कलर प्रिंटर होना चाहिए, जैसे जीपीएस डिवाइस, इसी तरीके से जो है सभी जानकारी मांगी गई है। और नीचे इसमें भी कॉमन जो है वो मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे आपको जो है स्टैटिक आईपी मांगी गई है। ठीक है दोस्तों, दोनों में देखेंगे तो दोनों में एक चीज कॉमन है और सभी राज्य में इस तरीके से ही कॉमन इस चीज को किया गया है। तो मेरे पास यूपी और बिहार उदाहरण के तौर पे मैंने आपको दोनों जगह का दिखाया है। ठीक है, इसमें अब मैं बता दूं कि स्टैटिक आईपी होता क्या है और ये कैसे मिलेगा। ठीक है, अगर आप इस फॉर्म में मोबाइल का आईपी एड्रेस डाले होंगे तो आपके लिए यहाँ पे परेशानी उत्पन्न हो सकती है। तो इसके सुधार के लिए आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से, कोऑर्डिनेटर है उनसे जो है आप संपर्क कर सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं कि इस प्रॉब्लम हुई है उसको हम समाधान कैसे कर सकते हैं, तो वो आपको पूरी जानकारी संबंधित दे देंगे। ठीक है, आप रही बात कि हम ये स्टैटिक आईपी कैसे ले सकते हैं, तो जिनके पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन है चाहे वो वायरलेस ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रोवाइडर के तरफ से दिया गया हो या किसी अस्थायी वेंडर के द्वारा दिया गया हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो भी कंपनी ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रोवाइड करती है उनसे आपको बात कर लेनी है अगर आपके क्षेत्र में ये सुविधा उपलब्ध है तो। लेकिन मैं बात करूँ ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की तो ये अधिकतर आपको शहरी क्षेत्र में देखने को मिलता है ना कि ग्रामीण क्षेत्र में। तो यहाँ पे दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए काफी मुसीबत हो सकती है या वो इस यूसीएल काम से जो है वंचित रह सकते हैं, यानी कि साफ शब्दों में कहा जाए तो आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों उनके लिए भी कुछ समाधान है, आगे सभी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए हम जान लेते हैं कि स्टैटिक आईपी होता क्या है और मोबाइल का जो आईपी एड्रेस है वो क्या होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसा कि आप देख सकते हैं आईपी एड्रेस क्या है, स्टैटिक एंड डायनेमिक आईपी एड्रेस क्या है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो स्टैटिक आईपी होता है वो एक फिक्स आईपी होता है, यानी कि जो भी एक नाम आपको रजिस्टर्ड करके दे दिया जाएगा प्रोवाइडर के तरफ से यानी कि कंपनी के तरफ से, वो आईपी एड्रेस आपका एक फिक्स हो जाएगा यानी कि वो चेंज नहीं होगा। जिस जगह के लिए आप ले रहे हैं उस जगह के लिए वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपका हो जाता है जो कि कभी चेंज नहीं होगा, जो एक अस्थायी तौर पे देखा जाता है वो अस्थायी नहीं होने की। डायनेमिक आईपी एड्रेस जो होता है वो अस्थायी होता है, जो समय अनुकूल या आपका स्थान अनुकूल जो है वो चेंज होता रहता है, तो वो डायनेमिक आईपी एड्रेस के कैटेगरी में आ जाता है जो कि हम इसमें यूज नहीं कर सकते हैं। जो यूएडीआई की तरफ से मांगी जा रही है वो स्टैटिक आईपी मांगी जा रही है, यानी कि एक फिक्स आईपी एड्रेस मांगा जा रहा है जिसे जो है कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता है, न ही वो चेंज ऑटोमेटिक होगा। लेकिन डायनेमिक आईपी एड्रेस में जो है वो रेगुलर आपके समय के अनुसार चेंज होता रहता है, लेकिन चेंज 100% होगा डायनेमिक आईपी में। तो अगर आपने फॉर्म में अपना मोबाइल का आईपी एड्रेस आपने यूज किया है या जो भी आप जियो का डोंगल यूज करते हैं या किसी भी नेटवर्क का आप डोंगल यूज करते हैं वाईफाई वाला, तो उसका भी आईपी एड्रेस यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो भी जो है डायनेमिक कैटेगरी में ही आता है। ठीक है, तो उसको आपको यूज नहीं करना है। अगर आप यूसीएल रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अगर आपने डायनेमिक आईपी एड्रेस यानी कि अपने मोबाइल या डोंगल का आपने डाला है तो यहाँ पे आपको समस्या हो सकती है। अगर आपका क्रेडेंशियल बन भी जाता है तो आप इस पे काम नहीं कर पाएंगे, आपको जो है बाद में डीएक्टिवेट कर दिया जा सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको जो है स्टैटिक आईपी आपको यूज करना होगा। तो दोस्तों मैं आपको एक सॉफ्टवेयर के जरिए भी बताऊंगा कि किस तरीके से जो है आप ग्रामीण क्षेत्र में भी एक स्टैटिक आईपी जनरेट कर सकते हैं किसी और के सहायता से। दोस्तों मैं इसके संबंधित में आपको जानकारी चाहिए होगी क्योंकि मैं इसकी जानकारी आपको इस चैनल पे नहीं दे सकता हूं क्योंकि मेरे
चैनल पे आपको किसी तरीके का स्ट्रैक्ट आ सकता है, इसलिए मैं आपको इस तरीके का जानकारी चैनल पे नहीं दे सकता हूँ। तो अगर आपको जानकारी चाहिए तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको जितना जल्दी संभव होगा मैं आपसे कॉन्टेक्ट कर लूंगा, ठीक है दोस्तों। तो किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और अगले वीडियो मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।